विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने को लेकर बेहद गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार अपहरण गोरखपुर के पिपरी भटहट में बन रहे प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भौतिक समीक्षा की। इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि 2 माह में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण न होने और निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न दिखने पर कॉन्ट्रैक्टर व अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लेट लतीफी, माफियागिरी और अराजकता का रूप ले या फिर ऐसे लोग कोर्ट जाकर दबाव बनाने लगे, उसके पहले सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। आयुष विश्वविद्यालय पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने पूरे परिसर पर निगाह दौड़ाई। इस दौरान मिट्टी भराई का कार्य अधूरा देख उनकी त्योरी चढ़ गई और लहजा तल्ख हो गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि मिट्टी भराई का जो काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था वह अभी पूरा नहीं हुआ, तो बरसात में काम आगे कैसे बढ़ेगा। 15 जून के बाद बरसात शुरू होते ही यहां पानी भर जाएगा, ऐसे में समय पर यह परियोजना कैसे पूरी होगी। सीएम के तेवर देख कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कॉन्ट्रैक्टर सकते में आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मई के अंत तक हर हाल में मिट्टी भराई का काम पूरा कर लिया जाएगा। सीएम योगी के यह पूछने पर कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कहा कि अगले साल अगस्त तक पूर्ण कर देंगे। निरीक्षण के दौरान ही सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछा कि वह कहां बैठते हैं। कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह ने बताया कि प्रेमचंद पार्क के पास IASPCS कोचिंग वाली बिल्डिंग में। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था से बात कर अपने आवास की व्यवस्था कराएं ताकि IASPCS कोचिंग के छात्रों को कोई असुविधा ना हो। कुलपति ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने 4 माह में आवास बनाकर देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वह कार्य प्रगति की जवाबदेही तय करे, समयबद्ध ढंग से कार्य ना होने पर बिना किसी रियायत के सख्त कार्रवाई करे। अक्सर कार्य में देरी करने वाले अराजकता व अव्यवस्था पैदा करते हैं, ऐसे में निगरानी रखते हुए कड़ी कार्रवाई की जरूरत होती है। योगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति जानने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के मॉडल का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ मौके पर ही समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने समयबद्ध निर्माण न होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कमिश्नर व DM से कहा कि कार्य की नियमित समीक्षा करते रहें, साथ ही निर्माण की गुणवत्ता की भी TAC जांच भी कराएं। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि आयुष विश्वविद्यालय के वास्तु में भारतीयता दिखे। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, कमिश्नर रवि कुमार NG, DIG जे रविंद्र गौर, DM विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा व लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। 1,99,980.72 वर्ग मीटर क्षेत्र में बन रहे इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, अस्पताल, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह, संग्रहालय, मर्चरी, बालक एवं बालिका छात्रावास के अलावा कुलपति व अन्य स्टाफ के लिए आवासीय भवन बनाए जाने हैं। आयुष विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के पाठ्येतर गतिविधियों के लिए 3 स्पोर्ट्स फील्ड भी बनाए जाएंगे। पड़ चुकी नदियां हैं, उनको इनको दीजिए ना, लोग खाली कराए लेकिन इनको हाथ में लगाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं था अभी आज भी 50 ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और कितने लोग इस समय हैं इनके सर? करीब करीब 100 से ऊपर। तो 100 लोगों में इतने बड़े कार्य प्राप्त करना चाहते हैं, कौन है यहाँ का कॉन्ट्रेक्टर कौन है? जी सर, क्या है, कहाँ घर है आपका? दिल्ली से। आदमी कितने जाते हैं? इसको एक बार चेक करें, बढ़ाते हैं, कैंसिल करवा करके नए लोगों को। देखिए, कार्य आपके जो भी होने थे जनवरी से लेकर के मई तक होने, पूरा पानी भर जाएगा, क्योंकि अभी तो इनको मिट्टी नहीं डाली। ठीक है, कई बार कहा, हाँ मैंने कई बार कहा।
और रूम करते हुए इसमें एक बार चेक करते हैं, ठीक है, और जवाब सही तय करो इस वक्त। अगर ये लोग अगले दो महीने के अंदर पूरा मिट्टी को फिलअप करके और कंस्ट्रक्शन को सही उसमें नहीं ला पाते हैं, देखिए किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में समय लगता, समय नहीं लगता, उसको आप खड़ा कर सकते हैं लेकिन फिनिशिंग करने ज़्यादा समय लगता। अगर दो महीने में वहाँ उस प्रकार का उन्हें देते हैं और समयबद्ध तरीके से भी करना है, शुरू में ही एकदम अपना चलाकर हम कार्रवाई कर देते हैं, एकदम कोई रियायत नहीं, क्योंकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, ये माफिया के रूप में काम करते हैं, अराजकता फैलाते हैं और बाद में फिर कोर्ट में जाकर के अपना उसके कोर्ट से कमरे में दर्शन में जाते हैं। इससे पहले के लोग कोई अराजकता पैदा करें सख्त कार्रवाई करें।